सोनभद्र पिपरी थाना के अंतर्गत आज सुबह लगभग 4 बजे तुर्रा बाजार में कुआं के पास समरनाथ जी के घर में अचानक से शॉर्ट सर्किट के द्वारा आग लग गई। आग काफी उग्र रूप ले लिया था। सभी मोहल्ले वालों के प्रयास से आग पे काबू पाया गया और एक बड़ी दुर्घटना होने से रोक लिया गया। बाद में हिंडाल्को की फायर ब्रिगेड और दमकल की सहायता से आग को पूरी तरह से बुझाया गया। एल पड़ोस में रहने वाले रमेश यादव जी द्वारा पुलिस को सूचना दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस, पड़ोस रहने वाले रमेश यादव का कहना है, मेरे घर में धुआं भर रहा था, मैंने देखा पड़ोस के गोदाम में आग की लपेट निकल रही थी। गोदाम स्वामी को भी मैंने फोन से जानकारी दी, वह भी मौके पर पहुंचे। कुछ गोदाम का सामान स्थानिक मदद से बाहर निकाल दिया गया, जिससे काफी नुकसान होने से उनका बच गया। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। धुआं भर गया था, पता चला। फिर आपने इसकी सूचना किसको दिया? पहले थाने पे दिया। पुलिस आई थी मौके पे? पुलिस आई, फायर भी लगा है। ये कितने बजे की घटना है? लगभग 4 बजे भोर की। 4 बजे की घटना जी। आग काफी लहर निकल रही थी बाहर। पेड़ जल गया, देखिए हमारा जिसके आई गोदाम था, इसमें हम अपना सामान वहाँ रखते थे, रिपेयरिंग का सामान था और जैसे बोर्ड वोड रखता था अपना रखे रहते थे इसमें सब जो है। कैसे ये आग की जानकारी आपको हुई? हमको करीब आपका गोदाम था क्या? हाँ गोदाम रहता था, स्टोर टाइप का था अपना जो है जी। इसे अपना सब रखते थे, जितना भाई पंखा का बना नहीं लगे ग्राहक किसी वहाँ रख दिए जी। तो रमेश यादव जी फोन किए कि जिधर धुआं निकल रहा है जी, तब तक मैं आया देखा तो भाई अंदर पूरा जल रहा था। फिर अपना फटाफट सब सामान वामान निकाले उकाले, फिर सभी बाजार वाले सहयोग से पूरा पानी डाला गया। फिर तब तो फायर ब्रिगेड आ गई, फायर ब्रिगेड वालों का हिंडाल्को की, हाँ हिंडाल्को की फायर ब्रिगेड आई, उनका बड़ा सराहनीय कार्य था, उन्होंने फटाफट चढ़ के ऊपर से पूरा बुझाना शुरू किया। पूरे बाजार के लोग लग गए थे, पानी डालना शुरू कर दिए थे, कोई ईंटा बुझा कोई कुछ निकाल दिया गया जो है। तो बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ, मगर फिर भी भाई आग लगी तो नुकसान होगा ही। भाई ये आग की जानकारी आपको कब हुई और कैसे लगी? सवेरे 4 बजे हम लोगों को सूचना मिली कि शॉर्ट सर्किट द्वारा अमरनाथ भाई के घर में आग लग गई है। तुरंत तत्परता से पूरे मोहल्ले ने आग को बुझाने का पूरा प्रयास किया और आग को काबू में लिया गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। फिर फायर ब्रिगेड को हिंडाल्को इंडस्ट्री की तरफ से बुलाया गया, जिससे एक बड़ी जनहानि और क्षति होने से बच गई और आग को पूरे मोहल्ले के सपोर्ट से काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची? हाँ फायर ब्रिगेड आ गई थी हिंडाल्को की जी, और आग को बुझाया गया।